नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत के रहस्यमय नहरगढ़ किले के बारे में। दोस्तों नहरगढ़ किला भारत की राजधानी जयपुर में स्थित है, जो कई अनगिनत महलों और सुंदर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जो इस शहर के शानदार और समृद्ध इतिहास को बताता है। नाजुक नक्काशी और पत्थर के शानदार वर्क के साथ नहरगढ़ का किला, जो आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर शहर के मजबूत रक्षक के रूप में खड़ा है। जो भी पर्यटक जयपुर घूमने के लिए जाता है, वो इस ऐतिहासिक किले को देखे बिना नहीं रह पाता। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस किले के बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों इस किले के बारे में जानने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों नहरगढ़ किले को जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवई ने 1734 में बनवाया था। इस किले का इस्तेमाल गर्मियों में महल के रूप में किया जाता था। इस किले की सबसे अच्छी बात यह है कि इस किले के लंबे इतिहास में कभी भी हमला नहीं हुआ। हालांकि यह किला 18वीं शताब्दी में मराठा सेनाओं के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल रहा है। इस किले को 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कई यूरोपीय लोगों को आश्रय देने के लिए भी जाना जाता है। सन 1883 के बाद सवाई माधव सिंह ने नहरगढ़ किले में कई महलों का निर्माण कराया। किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्मकाल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजाओं के कक्ष के समूह को आलिशान दरवाजों, खिड़कियों और भित्ति चित्रों से सजाया गया था। यह नहरगढ़ का किला अतीत की यादों को समेटे हुए शान से खड़ा है। इस किले में कई बॉलीवुड फिल्मों को भी शूट किया गया है, जिसमें रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, जोधा अकबर समेत कई फिल्में शामिल हैं, जिनके कुछ दृश्य नहरगढ़ किले में भी शूट किए गए हैं। दोस्तों नहरगढ़ किला राजस्थान का एक बहुत ही आकर्षक किला है, जो अपने पीले रंग के साथ गुलाबी नगरी जयपुर में बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। इस किले को राजा सवई मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए बनाया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद नहरगढ़ किले को भूतिया कहा जाने लगा। लोगों का मानना है कि इस किले में राजा का भूत रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और कई बार तो दरवाजे के कांच टूट के गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंडी महसूस होने लगती है। किले में जाने वाले कई लोगों को कुछ अजीब चीजों का एहसास हो चुका है। बताया जाता है कि इस किले के पुनर्स्थापन संगठन के मालिक को अपने ही घर में रहस्यमय तरीके से मरा हुआ पाया गया था। दोस्तों किले के निर्माण के समय कई ऐसी गतिविधियां भी देखी गईं। किले में काम करने वाले मजदूर इन सब गतिविधियों से डरते थे। साथ ही किले में एक दिन पहले जो काम होता था, वह सब दूसरे दिन बिगड़ा मिलता था। माना जाता है कि कोई प्रेत आत्मा किले के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती थी। बाद में पंडितों और तांत्रिकों की सलाह के बाद यहाँ नहर सिंह भौमिया जी का मंदिर का निर्माण कराया गया। वहीं किले का पहला नाम सुदर्शनगढ़ जो था, उसे बदलकर नहरगढ़ रख दिया गया। उसके बाद किले के निर्माण में आज तक कोई भी बाधा नहीं आई। नहर सिंह भौमिया जी का मंदिर आज भी किले में बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये किला कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छे नए नए वीडियो ला सकें। दोस्तों हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।